सदावत्सले मातृभूमि है। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटक की, और कर्नाटक में जिस प्रकार से अब क्लेम आने शुरू हुए हैं और जो परिस्थिति चल रही है वो कुछ राजस्थान की तरफ घूम रही है। राजस्थान की तरफ क्यों घूम रही है? क्योंकि जो 4S, 4S and 1G, यस 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 जी, ये आपस में कुछ ऐसी टकरार चल रही है कि उनके बयान आते बन रहे हैं। 4S की बात जब मैं करता हूँ तो शिव कुमार की बात करता हूँ, वो DK शिव कुमार कह लीजिए, सीता रमैया साहब की बात करता हूँ, सुनील कोनू गोलू की बात करता हूँ और शशिकांत सेंथिल की बात करता हूँ। शशिकांत सेंथिल 44 वर्ष की आयु के हैं, IAS ex-IAS रहे हैं, IAS छोड़कर कांग्रेस के साथ लगे थे, और ये कहा जाता है कि कांग्रेस की जो कर्नाटक की पूरी कमांड थी करप्शन से लेकर और बाहर तक की, वो सब उन्होंने ही प्लान किया था किसको क्या कहना है और प्रधानमंत्री को कैसे काउंटर करना है, बाकी जो नेता आ रहे हैं उनको कैसे काउंटर करना है। तो उनका मानना ये है कि जब सारी स्ट्रेटजी हमने बनाई, जब पूरे कर्नाटक का जो नाटक है वो शशिकांत जी ने डील किया था, तो शशिकांत जी कम आयु के मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते। मानना ये भी है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो यंग लीडर्स की वो ब्रीड खड़ी करनी पड़ेगी, युवा खड़े करने पड़ेंगे, और युवा खड़े करने की जब बात आती है तो आपने पहले ही देखा कि युवाओं के मामले में किस प्रकार से सिंधिया का हाल हुआ और सचिन पायलट का क्या चल रहा। सिंधिया सचिन पायलट कभी उनके लेफ्ट राइट हुआ करते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो यंग ब्रिगेड को खड़ा करना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि उसके पीछे का मुख्य कारण ये होगा कि अगर यंग ब्रिगेड को खड़ा कर दिया और इन्होंने कहीं अपने आप को प्रूफ कर दिया तो ये लोग राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि हम आयु हैं, हालांकि राहुल गांधी इन सबसे बड़े हैं, हम आयु हैं, इसलिए ये क्लेम भी कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे सोनिया गांधी जिस समय क्लेम कर रही थी पार्टी के चीफ के लिए, उसी समय राजेश पायलट जी आए थे, उसी समय माधवराव सिंधिया जी आए थे। तो ये यंग लीडर्स थे जो उनके समकालीन थे, समकालीन होने के नाते इनका प्रभाव था, और इनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ा सोनिया गांधी को, कितने स्वाभाविक अस्वाभाविक तरीके से ये लोग हटे या हटाए गए, ये सारी दुनिया ने देखा है। इसलिए वो गलती जो सोनिया गांधी के समय पर कर दी गई थी और ये ब्रीड को खड़ा करके पैरेलल राजीव गांधी के खड़ा कर दिया गया था, वो गलती मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी करना चाहते हैं। इसलिए शशिकांत सेंथिल योग्य होते हुए भी, कर्नाटक में लॉयलिस्ट होते हुए भी, यहाँ तक कि अपनी जॉब छोड़कर काम करने के बावजूद उनका नाम सामने नहीं आ सकता और नहीं आ सकता। शशिकांत सेंथिल का स्थान तो मुझे लगता है कि वो गलत पार्टी चूज कर गए हैं, गलत समय पर पार्टी चूज कर गए हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार के टैलेंट का स्थान तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के टैलेंट का इस्तेमाल करती है, उपयोग करती है, और उपयोग करने के साथ साथ उनको सही स्थान देती है। दूसरा नाम जो आया वो जी परेश्वरन साहब, हालांकि मैं अगर गलत हूं तो आप लोग करेक्ट करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का पूरा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में परेश्वरा लिखा हुआ है, जी परेश्वरा। तो शिव कुमार और सीतारमैया की हम देख ही रहे हैं, शिव कुमार की, DK शिव कुमार की खास बात यह है कि उनके पास धन बहुत है, DK शिव कुमार की खास बात यह है कि उनका बल बहुत है, और उनके धन और बल के आगे सीतारमैया कितना टिक पाएंगे ये भी बात है। ऐसा कहते हैं धन का बंटवारा या जो भी आपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे वो सब DK शिव कुमार उसके नायक थे। सीतारमैया की जब बात करते हैं तो पिछली बार वो मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी के हाथों चली गई थी, और वो चुनाव हार गए थे। तो अब जब चुनाव हार गया कोई व्यक्ति, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजस्थान में घर वापसी अगर किसी ने करवाई तो वो सचिन पायलट थे, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत को यंग टू बैकवर्डनेस राजनीति के तहत उनको आगे बढ़ा दिया गया था। अशोक गहलोत के खिलाफ ही सचिन पायलट को धरने देने पड़ रहे हैं, अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट के कुछ विधायक चल दिए थे पीछे, और बहुत सारा उसमें ड्रामा हुआ था। तो बिल्कुल वही प्रकरण कहीं यहाँ पर भी ना हो जाए कि सीतारमैया को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया जाए कि वो खड़गे के विश्वासपात्र होंगे, जैसे खड़गे परिवार के विश्वासपात्र हैं वैसे ही सीतारमैया अच्छा चलाएं या ना चलाएं,
सरकार उनकी गिर गई थी या नहीं गिर गई थी, लेकिन वो लॉयलिस्ट तो होंगे परिवार के कम से कम, और परिवार के लॉयलिस्ट ही उनको चाहिए। डीके शिवकुमार में एनर्जी बहुत है, और एनर्जी इतनी है कि वो ये संभव है कि राहुल गांधी की कमांड पूरी फॉलो ना करें। अब इन सब के बीच में जो एक नाम आया, जी पारेश्वरन। जी पारेश्वरन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, 8 साल तक वो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे। उनके नेतृत्व में ही 2018 की सरकार बनी थी, और 2013 की जो सरकार बनी थी जिसमें सीतारमैया मुख्यमंत्री बने थे, उसमें वो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनका बयान आया, उन्होंने कहा भाई अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं नेतृत्व करने के तैयार हूँ, मेरे अंदर वो सब कुछ खूबियाँ हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, मैंने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है, मैंने 8 वर्ष तक कांग्रेस चलाई है, और मेरे नेतृत्व में ही कांग्रेस की वहाँ सरकार बनी थी, और मैं उप मुख्यमंत्री होने के नाते सारे विषयों को जानता भी हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक क्लेमेंट हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद जो उन्होंने शब्द कहे, वो मुझे लगता है कि गंभीर प्रश्न है और कांग्रेस के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं। वो प्रश्न उन्होंने ये कहा कि मैं चाहूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहूँ तो मैं भी 50-100 विधायकों का, 50-90 विधायकों का समर्थन लेकर प्रदर्शन कर सकता हूँ, मैं भी उनकी सूची दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी विधायक हैं, मेरे संपर्क में भी विधायक हैं, मुझे मुख्यमंत्री की तरह विधायक देखना भी चाहते हैं, लेकिन मैं वो उन्होंने कहा कि मैं वो गंदगी नहीं फैलाना चाहता जो ये लोग फैला रहे हैं क्लेम करके। पार्टी को मैं हाशिए पर नहीं देखना चाहता, पार्टी की इतनी बदनामी नहीं देखना चाहता, पार्टी को इस हाल में नहीं देखना चाहता। मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, जितना पार्टी कहेगी उतना मानना मेरा कर्तव्य होता है। मैं किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पार्टी को मेरी तरफ ध्यान दे सकती है तो दे। अब आप सोचिए, जो चौथा यस के रूप में आया था वो नाम था सुनील कोनुगोलू। सुनील कोनुगोलू ने भी कहते हैं कि कर्नाटक की विधानसभा के चुनाव में एक स्ट्रैटेजिकल भूमिका निभाई थी और उनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि वो 5 पायदानों में सबसे नीचे पायदान पर हैं, बहुत ज़्यादा फेम नहीं है, हालांकि फिर भी कहा जा रहा है कि वो स्ट्रैटेजिकल करता बहुत अच्छे हैं। लेकिन शशिकांत सेंथिल के बारे में कहा जा सकता है कि वो पूर्व आईएएस हैं, इसलिए उनके अनुभव भी अपने हैं। लेकिन ये तीन नाम जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जी परेश्वरन, शिवकुमार या डीके शिवकुमार और सीतारमैया, सीतारमैया, अब मैं, मेरा जो मन कह रहा है कि अगर राहुल गांधी को ये लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कोई यंग लीडर ऐसा ना खड़ा हो जाए जिसमें एनर्जी बहुत हो, और एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि राहुल गांधी को वो इग्नोर करना शुरू कर दें या इग्नोर कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में सीतारमैया उनकी बेस्ट चॉइस हो सकती है, डीके शिवकुमार नहीं। लेकिन अगर पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, लोकसभा के चुनाव में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, खड़गे की चली, तो फिर डीके शिवकुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर वाकई में कांग्रेस को कर्नाटक में कुछ अच्छा करना है, तो फिर XIS उसमें शामिल हैं शशिकांत जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, और इन सबको जो चार और हैं, इनको सबको 4 डिप्टी बना देना चाहिए, चारों डिप्टी मिलकर काम करो बढ़िया। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री हो जाएं और कोई प्रश्न ना खड़ा करें और सहजता से स्वीकार कर लें। लेकिन यहाँ सीतारमैया को अगर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा खेल हो सकता है, कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ी जंग हो सकती है। लेकिन डीके शिवकुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सीतारमैया मुझे नहीं लगता कि उप मुख्यमंत्री का दायित्व तो स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन सीतारमैया को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, फिर हाई प्रोफाइल पावर के साथ उप मुख्यमंत्री अगर डीके शिवकुमार को बनाया जाता है, तो एक बार डीके शिवकुमार इसको स्वीकार कर सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनको दे दी जाए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो उनको दे दिया जाए, कुछ और महत्वपूर्ण PWD वगैरह मिनिस्ट्रियां दे दी जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक्सक्लूसिव पावर, एक्स्ट्रा पावर के साथ, महत्वपूर्ण पदों के साथ बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका में होगा। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तरह यहाँ पर भी आमने सामने सरकार बनने के बाद आमने सामने मामला ना हो जाए, क्योंकि सरकार तभी चल सकती है जब एक मुखिया हो और उसकी स्वीकारता, सबको उसकी स्वीकारता हो। लेकिन जब मुखिया दो हो जाते हैं, पावर सेंट्रल दो हो जाते हैं, और एक की आकांक्षाओं को कहीं साइड में फेंका जाता है, तो फिर ये होना स्वाभाविक है। इसलिए
अभी जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि सीतारमैया मुख्यमंत्री बन सकते हैं, डीके शिवकुमार उन्हीं शर्तों पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब पार्टी को ये लगे कि नहीं उनको आगे बढ़ना है। और परेश्वरन साहब को मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, अगर इनके बीच का झगड़ा ख़त्म करना है तो दोनों को हटा दीजिए, जी परेश्वरन को मुख्यमंत्री बना दीजिए। और इससे अच्छी अगर मैं कहता हूँ कि मोदी जी होते या हाईकमान के रूप में भारतीय जनता पार्टी होती तो फिर शशिकांत सेंथिल को ही मुख्यमंत्री बनाते, जैसा कि होता चला रहा है लगातार। आपने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पिछले वाले भी और इस वाले भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यंग लॉबीज को, यंगस्टर्स की टीम को खड़ा करना चाहते हैं मोदी जी। लेकिन कांग्रेस क्या ऐसा करना चाहती है? ये तब तक नहीं हो सकता जब तक राहुल गांधी का मोह खत्म नहीं होगा कांग्रेस से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।